नमस्कार विंध्य भारत में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। अंकुर अभियान में रीवा जिले में तमाम आला अधिकारियों ने दोपहर 2 बजे एक साथ वृहद वृक्षारोपण में लिया भाग। इसके लिए चुना गया था नेत्रहीन और विकलांग महाविद्यालय को वृहद वृक्षारोपण के लिए। नेत्रहीन और विकलांग महाविद्यालय को वृहद वृक्षारोपण के लिए रीवा में संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने तय किया था कि 10 अगस्त को रीवा संभाग में बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसे नाम दिया गया था अंकुर महाभियान, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, छात्र छात्राओं, नागरिकों और सामान्य जनों से अपील की गई कि वृक्षारोपण पर वायु दूत ऐप में अपनी फोटो अपलोड करें। वहीं शासकीय कर्मचारियों से कहा गया कि अपने कार्यालय की खाली जगह पर एक पेड़ जरूर लगाएं। रीवा के तमाम आला अधिकारी अंकुर महाभियान में भाग लेने के लिए एकत्र हुए। रीवा के नेत्रहीन और विकलांग महाविद्यालय में अधिकारियों के यहाँ पहुंचे पर नेत्रहीन और विकलांग बच्चों ने संगीतमय आयोजन के साथ अधिकारियों का स्वागत किया। उसके बाद सभी ने अंकुर अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इसमें कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अंकुर अभियान की शुरुआत तो पूर्व से ही थी, परंतु आज पूरे संभाग में एक साथ 2 बजे वृहद रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और लगभग 2.5 लाख से 3 लाख पेड़ लगाने का आज टारगेट रखा है और सभी जगह पंचायतों में, स्कूलों में, सभी जगह ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और हमारा ग्रुप भी बना हुआ, उसमें भी मैं लगातार देख रहा हूँ। लोग अपनी फ़ोटो अपडेट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, लोगों में उत्साह है। और इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं, 13 से 15 तक हर घर तिरंगा अभियान भी हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, तो उसको भी लेकर जन जागरूकता हम लोग इसमें फैला रहे हैं ताकि सभी लोग इस जो अमृत महोत्सव के दौरान हमें हर घर तिरंगा अभियान में घर घर में तिरंगा लगाना है, जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है, हमारी आज़ादी का प्रतीक है, और उसको घर घर तक ले जाना है। तो अंकुर अभियान और हर घर तिरंगा अभियान को हमने एक साथ जोड़ा है। आज अंकुर अभियान के तहत वृक्षारोपण कर रहे हैं और हर घर तिरंगा अभियान के तहत हम आज जागरूक कर रहे हैं। पौधों की सुरक्षा के लिए ही ये अंकुर अभियान है। इसमें ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो पौधा लगाए उसको वो अपने बच्चों की तरह पाले भी, क्योंकि आप जानते हैं कि पौधा शुरुआत में जैसे शिशु को बहुत अधिक केयर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हर पौधे को भी शुरुआत में बहुत अधिक केयर की आवश्यकता होती है। आज जैसे ये इस महाविद्यालय में जो वृक्षारोपण हो रहा है, यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने इसमें काफ़ी आगे बढ़ के अपने भाग लिया है और उनका ये कहना है कि हम जितने भी यहाँ पौधे लगाएंगे उनको सुरक्षित रखेंगे और पानी वगैरह की सब व्यवस्था करेंगे। तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि जितने हम पेड़ लगाएं या पौधे लगाएं उसको हम सुरक्षित रख पाएं। हमारा इसीलिए ज़्यादा जो जोर है वो इसी पे है कि जितने भी पौधे लगाइए उनको सुरक्षित कर सकें। बहुत अधिक पौधे लगाएं और हम ना देख पाएं, ये वृक्षारोपण का वो ध्येय नहीं है। ध्येय ये है कि आप पौधे लगाइए, पौधे की परवरिश करिए और उसको वृक्ष करें। तो आप सभी से भी मेरा आह्वान है कि आज इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में आप भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और आज जो यहाँ वृक्षारोपण है। फिलहाल के लिए तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।